जोनी पंचायत के उप मुखिया का पति है मंगरू सिंह, उसके साथ चंदन था और उसके साथ और लोग थे जिसको हम लोग नहीं पहचानते, ये दो लोगों को पहचानते हैं। वो लोग ऑफिस में आया, पहले इंदिरा आवास के कार्यपालक साहब को जाके मारा और जानलेवा भी हमला किया, इसके मुंह से खून भी आया है और वहाँ सरकारी कागज को भी फाड़ा है, जो कि सरकारी कागज को भी नुकसान पहुंचाने का काम किया गया है। उसके बाद ऑफिस में घूमकर सब लोगों को मारा है, हमको मारा है, बड़ाओं को मारा है, चंदन पंचायत वीडियो साहब को भी बोल रहा था, वीडियो कहाँ है, कितने लोगों के साथ हुआ है मारपीट? उसके साथ चार पांच लोग थे, जो दो लोगों को हम पांच लोग पहचानते हैं। कितने लोगों के साथ हुआ है? यहाँ पूरा कल चार पांच लोगों के साथ हुआ है, एक हम है, बड़ा बाबू है, चंदन है, कार्यपालक ये मिश्रा जी है और निर्भय तिवारी एलडीसी है। हमारे गांव, उन लोगों का कथन है कि हमारे गांव में ब्लॉक है और हम किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, किसी के साथ कुछ भी मार सकते हैं, पीट सकते हैं, गोली मार सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ऐसे बोलो जी सर, कुछ डिमांड होगा? कोई डिमांड नहीं, रंगबाजी है, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं, सिर्फ रंगबाजी है। और हमारे गांव में ब्लॉक है तो हम सबको पीटेंगे। आया और मारना शुरू कर दिया सबको लाइन से। डिमांड क्या है? कोई डिमांड नहीं है, मारना शुरू कर दिया हम लोग से। बगैर कोई बातचीत किए हुए मार्केट कुछ नहीं, बस दारू पी गया था, मारना शर्त जैसा सब लाइन से। कितना लोग पहचानते हैं? दो लोग को, दो लोगों को पहचानते हैं, चंदन है, एक मंगरू है। मैं कुसुमरा पंचायत में जनसंवाद कार्यक्रम जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा है, तो आज कुसुमरा पंचायत में जनसंवाद कार्यक्रम था, उसमें प्रखंड के जितने पदाधिकारी सीईओ हम सब लोग वहाँ पर थे। तो वो कार्यक्रम चल ही रहा था, तो यहाँ से मुझे कॉल आया ब्लॉक से कि ऐसे ऐसे यहाँ पर मंगरू नाम करके है उप मुखिया पति, उसके द्वारा लोगों को पीटा जा रहा है बेल्टों से बिना वजह दारू पी करके। तो उसके बाद फिर हम वहाँ से थाना को कॉल किए, फोर्स के तरीके पे थाना है और फिर साथ में हम भी वहाँ से चले। तो यहाँ पर आगे देखे तो तब वो भाग चुका था। अब इसमें जो भी है प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और जो भी इसमें संदिग्ध पाए जाएंगे उनका अरेस्टिंग होगा। ब्लॉक पर ही क्या बात सुन रहे हैं? बात अब तह पे जाना पड़ेगा, क्या है जांच का विषय है इसमें, क्योंकि मैं था नहीं, तो पुलिस अपना जांच करेगी, अपना प्राथमिकी दर्ज की जाएगी, सीसीटीवी फुटेज में जो लोग पाए जाएंगे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सवाल बाकी प्रखंड मुख्यालय पर लगातार ऐसा घटना घटा था, एकरा के लेके रुआ क्या कहना चाहिए? लोकल लोगों को लगता है कि जो वो अपने हाथ में कानून को ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि तो अगर प्रखंड मुख्यालय पर किसी तरह की घटना घटती है और उस लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो इसका मतलब है कि सीधे वो सरकार को चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि तो किसी भी हालत में टॉलरेट नहीं किया जाएगा। पुलिस प्रशासन यहाँ पर मुस्तैदी से है और वो हर चुनौती को सामना करने के लिए तैयार है। यह है कि मंगरू और चंदन दोनों आया, हम यहाँ पे टेबल पे बैठे थे, जाके शुरू से इंदिरा आवास सहायक सहायक को मारते आया, हम निकले बोले क्या कर रहा है जी, हटिए ना तो आपको भी मारेंगे, हम कहें हटिए। एक बात, नाजिर बाबू को मारा, ऑपरेटर को मारा, निर्भय को मारा, बंद कर दे। हम जब कहे कह रहे गलती हो रहा है, हम पर भी बेल्ट चलाया, देखिए यहाँ लगा हुआ। दोनों व्यक्ति कहाँ कराने वाले? दोनों व्यक्ति बगल सलेमपुर पोखरा का रहने वाला, ब्लॉक का बगल। क्या अधिकारी से मांग कर रहे हैं? अधिकारी से मांग ये कर रहे हैं कि यहाँ ब्लॉक पर हम लोग नहीं काम करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे, इसके लिए डीएम सर ने जो करना है बर्खास्त कर दे, डिसमिस कर दे, हम लोग काम नहीं करेंगे यहाँ पर। चलिए वो आइए भाई, में जो कागज को नुकसान पहुँचा है उसको भी देख लें। चलिए मिश्रा जी दिखाइए, आपने चोट भी दिखाइएगा जो चोट लगा है। मार करने नहीं ना आते हैं, सब लोग अपने दिमाग में रखा है कि हमको काम करना है, यदि मारे करना रहता तो ग्रुप नियोजित करके मार करने आया है। जबकि हम लोग तो जैसे ऑफिस में आते हैं वैसे हम लोग आ रहे हैं, इसकी सत्यता सीसीटीवी फुटेज से देखा जा सकता है। सीसीटीवी ना फोटो को बढ़िया चीज है, हमने के फोटो से दूर रह ले, ना हमने के फोटो ना चाहिए।
और लोग उसके साथ है जिसको हम लोग निकाला जाए सर, फोटेज निकाला जाए, फोटेज है, हम लोग भी है, हम लोग नौकरी नहीं करेंगे आप, एक मिनट हम लोग बंद करेंगे, हम लोगों को क्या मतलब बात कर हम लोग इस माहौल में काम करने के स्थिति में नहीं है सर। सबसे बड़ी बात यह है इस माहौल में आप काम नहीं होगा, आज के बाद भी नहीं होगा, अभी भी नहीं हो पाएगा ना, उसका तो काम थे सर। क्या यहाँ जितने लाख के साथ वो हाथापाई किया है सभी लोग मारा मारी पर आप लोग वो तो हम लोग करेंगे ही, वो ऐसा नहीं है। और हम लोग सर यहाँ काम नहीं होगा, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग से यहाँ काम नहीं होगा, क्योंकि हम लोग रोड यहाँ से पुलिस बहुत जगह नौकरी ऐसा कुछ नहीं हुआ, खतरनाक जगह पर आदमी चला गया नौकरी के, कोई बेचारा कुछ नहीं बोला, तुम्हारा ऐसा डाउट हो गया कि ब्लॉक तुम्हारा घर बैठे ब्लॉक में हम सारे अरे सर यहाँ